करबला पहुंचा तो मैंने बाबा से पूछा ये कौन सी है जगह। कहा ये बाबा ने ये करबला है ऐ बेटा, यहीं पे रहते हैं मासूम सकीना के चचा। सुनो सुनो किले, तो सबसे पहले गए बावफा के रोजे पे। सुनाए पाली सकीना कि मैंने जब नौहे तो मेरी आँखों से आंसू जमीन पे गिरने लगे। फिर हम बैनुल हमैन से गुजरते हुए मौला हुसैन के रोजे पे पहुँचे। अजीब शोक आलम था मैंने जब देखा, बहुत हुजूम था मुश्किल था एक कदम चलना। सवार बाबा के कंधे पे होके जब पहुँचा, लिपट के मौला के रोजे से मैं बहुत रोया। सुनो सुनो के अंदर, और अपने बाबा के सीने पे है अली असगर, और अपने बाबा के पहलू में है अली अकबर, है दफन गंज शहीदा में कासम मुस्तर। फिर हम एक मकाम पे पहुँचे और बाबा ने कहा ये कत्ल गाह है हुसैनी वो तल्लाए ज़ैना। जैनब ने जब हुआ ये गजब, चला तो शाह के सूखे गले पे खंजर, पुकारती थी बहन मैं तो लुट गई यार। फिर हम एक मुकाम पे पहुँचे तो बाबा ने बताया इस मुकाम को खेमा गा कहते हैं। बताया बाबा ने क्या क्या यहाँ पे जुल्म हुआ, यहीं पे असगर बेशीर का जला झूला, यहीं पे बीबी सकीना को पहला दौरा लगा, यहीं पे छीनी गई बीबियों के सर सरदार। छेदा गया जहाँ पे खा किसना एक जवान तड़पा था, जहाँ जमीन पे बेदस्त बावफा था गया, हर एक मकाम पे मातम किया दिया पुरसा। सुनो सुनो गया। मैं फिर मुकामे मामे जमान पर पहुँचा, वहाँ पे बैठ के मौला से मैंने रोके कहा अब आप जाइए जहरा का वास्ता मौला। दिन गुजरते गए और फिर
पता चला ही नहीं, पता चला ही नहीं कब सफर तमाम हुआ। वहां से लौट के आना बहुत ही मुश्किल था, बताओ कैसे जोश वक्त हाल था दिल का। कहा था बाबा ने जिस वक्त घर चलो बेटा। दुआएं करते हैं जीशान और रयान यही, बुलाएं सबको फिर एक बार करबला मौला। बताया बाबा ने मौला है कब्र के अंदर, और अपने बाबा के सीने पे है अली असगर, और अपने बाबा के पहलू में है अली अकबर, है दफन गंज शहीदा में कासमे मुस्तर।